वर्ल्ड कप में शर्मनाक परफॉर्मेंस करने के बाद और यूं कहें कि वर्ल्ड कप में बाहर होने के बाद हमारे जो सो कॉल्ड सुपरस्टार्स हैं वो अब नए असाइनमेंट के लिए जा रहे हैं, यानी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा मैच होगा। 3 T20 मैच है और 3 आपके एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच है। हालांकि टीम में बहुत सारे परिवर्तन ऑलरेडी किए गए, युवाओं की टीम है, हार्दिक पांड्या वहां पर टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, जो कि फ्यूचर में हो सकता है कि आपके परमानेंट कैप्टन भी हो, उनके बारे में तो हमने आपको बताया। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि वीवीएस लक्ष्मण को यह असाइनमेंट दी गई है। वीवीएस लक्ष्मण टीम को वहां पर कोचिंग देते हुए नजर आएंगे, यानी कि वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण, जो कि ऑलरेडी टीम के साथ में, आपको याद होगा कि जब भारतीय टीम आयरलैंड के दौरे पर गई थी वहां पर भी वो थे, इसके अलावा जब टीम इंडिया जिम्बाब्वे के दौरे पर गई थी वहां पर भी थे, और अब उनको एक और असाइनमेंट दिया गया, यानी कि जिम्बाब्वे दौरे पर वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया को कोचिंग देते हुए नजर आएंगे। बल्लेबाजी कोच के तौर पर वहां पर ऋषिकेश कानितकर होंगे, जबकि गेंदबाजी कोच के तौर पर वहां पर साईंराज बहुतुले होंगे। ये तीनों की जोड़ी वहां पर टीम इंडिया को कोचिंग देने का काम करेगी, जबकि राहुल द्रविड़, विक्रम राठौर और पारस महामरे को रेस्ट दिया गया, क्योंकि खबर आ रही है कि ये लगातार टीम इंडिया के साथ में थे, बहुत ज्यादा थक गए थे, जिसकी वजह से इनको रेस्ट दिया गया है। और न्यूजीलैंड का जो असाइनमेंट है वहां पर वीवीएस लक्ष्मण, साईंराज बहुतुले, इसके अलावा आपके ऋषिकेश कानितकर, ये तीनों भारतीय टीम को कोचिंग देते हुए नजर आएंगे, जहां पर कि ऑब्वियसली बात है कि हेड कोच के तौर पर आपके एनसीए के हेड यानी कि वीवीएस लक्ष्मण होंगे, और वहां पर कप्तानी भी आपके हार्दिक पांड्या करते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम नए कोच, नए कप्तान की देखरेख में टीम इंडिया एक नई इंटेंट के साथ खेलते हुए दिखे, क्योंकि वहां पर सभी युवा प्लेयर्स होंगे। वहां पर आपके वाइस कैप्टन के तौर पर ऋषभ पंत होंगे, इसके अलावा ईशान किशन की वापसी हो रही है, संजू सैमसन वहां पर होंगे। तो उम्मीद करते हैं श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज होंगे जिन्होंने की लगातार रन बनाए हैं। तो यही हम सब होप कर सकते हैं कि कम से कम भारतीय टीम एक नई शुरुआत करे, एक नए तरीके से क्रिकेट खेले और ये फियरलेस क्रिकेट खेलकर दिखाए। ये नहीं कि सिर्फ रोहित शर्मा की बड़ी बड़ी बातें हो कि हमने क्रिकेट खेलने का तरीका बदल दिया है, हमने अप्रोच चेंज कर दिया है, लेकिन जैसी बड़ी टीम आती है तो सारी के सारी जो अप्रोच है और जो टेम्पलेट है वो धरी की धरी रह जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम हार्दिक पांड्या की कप्तानी में, वीवीएस लक्ष्मण की देखरेख में ये जो टीम है वो वाकई में अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलकर दिखाए। देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। लेकिन आप बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।